हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा नेता ने राहुल गांधी को दी मां की गाली, पत्रकार बोले कि अब बीजेपी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी नेता अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। वो विरोधियों पर निशाना साधने के लिए भाषा की सभी मर्यादा लांघते दिख रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सामने आया है, जहां प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भद्दी गाली दी। बीजेपी नेता की इस अभद्रता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने वाली टिप्पणी के खिलाफ पहले तो राहुल गांधी के परिवार को जमानती बताया और कहा कि जो खुद जमानत पर हो वो प्रधानमंत्री को चोर कैसे कह सकता है। इसके बाद वे सीधे तौर पर राहुल गांधी की मां को भद्दे गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि यदि राहुल गांधी खुद को भारत का चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, तो मैं भी उन्हें गाली देने के लिए आजाद हूं। बीजेपी नेता की इस अभद्रता पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने एतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि सत्ती को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने कानूनी प्रकोष्ठ से राय ले रहे हैं, उसके बाद हम उनके खिलाफ चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी बीजेपी नेता की इस अभद्रता पर जमकर आलोचना हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने बीजेपी नेता के बयान वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ये लीजिए हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी को साफ साफ मां की गाली दी है। इनका गुनाह आजम से बड़ा है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी बीजेपी? न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।